नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगता रहा है। वहीं अब योगी आदित्यनाथ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि हमने कभी भी किसी धर्म, जाति या मजहब को टारगेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपराधी जहां भी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक पर तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हिंदुस्तान का खाकर जो दुश्मन देश की वाहवाही करेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा, वो कहीं का नहीं बचेगा। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से पलटवार किया है, विपक्ष पर निशाना साधा है, कांग्रेस सपा दोनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो देश में रहकर दूसरे देश की, दुश्मन देश की वाहवाही करेगा उसका हश्र यही होगा और वो कहीं का नहीं बचेगा। आज से दीपावली के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो खासा इंतजाम पूरे देश भर में किए गए हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में आज से दीपावली के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पुलिस की भूमिका सुरक्षा की दृष्टि से काफी बढ़ जाती है। गाजियाबाद में देहात क्षेत्रों का क्या सुरक्षा व्यवस्था का प्लान है, जानते हैं गाजियाबाद के SP देहात ईरज राजा से। देखिए, पूरे देश में इस वक्त दिवाली का माहौल है, ऐसे में गाज़ियाबाद के देहात इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ क्या है कानून व्यवस्था, उसको लेकर हमारे साथ SP रज राजा जी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं सर किस तरह की कानून व्यवस्था इस वक्त है। इस समय जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, दो तीन दिन से पहले से हमने स्टार्ट कर दिया था, जो सर्राफा की दुकानें हैं वहाँ पर हमारी चेकिंग और गश्त बढ़ाई गई है। इसके अलावा मार्केट्स में जो भी व्यस्त मार्केट है वहाँ पर, जैसे आज धनतेरस का दिन है तो आज सभी दिन में भी फ्लैग मार्च सभी जगह किया गया और शाम को भी सभी अधिकारी भी उसमें शामिल रहेंगे। फ्लैग मार्च फिर से किया जाएगा सभी थाना क्षेत्रों में। इसके अलावा कल छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली और उसके बाद भाई दूज, तो सभी पर्वों के लिए हम लोग ने एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई हैं सभी मार्केट्स में व्यस्त स्थानों पर। हमारा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो और सभी का त्यौहार बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और अच्छे से दिवाली वाली का त्यौहार मनाया जाए। अच्छा सर, अगर बात की जाए उन लोगों की जो खासकर इन बाजारों में चोरियां करते हैं, देहाती लोगों में ऐसी कैसी इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो उनको चयनित करने के लिए किस तरह का प्लान बनाया गया है। देखिए, जैसे आपको बताया कि सभी जगह पर चेकिंग्स हमने लगाई गई हैं, कुछ CCTV कैमरा का कवरेज भी हम लोगों ने बढ़ाया है और पॉइंट्स चिन्हित करके वहाँ पर चेकिंग लगाई गई है ताकि इस तरह की हम अप्रिय घटनाओं से बच सकें। तो हम लोग पूरा प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की घटना ना हो और फोर्स हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और पूरी पुलिस फोर्स सभी तरह से अलर्ट हैं और अपना हम सब अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। गाज़ियाबाद की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो दिवाली को सेलिब्रेशन करें? सभी लोगों को यही संदेश है कि दीपावली अपना खुशी खुशी मनाएं और पूरा त्यौहार का आनंद लें और किसी भी तरह से कोविड अभी भी क्योंकि उसका खतरा बना हुआ है तो कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करें और सुरक्षित और पूरा सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी दीपावली का त्यौहार मनाएं। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ SPRA ईरज राजा जी, जिन्होंने बताया किस तरह से देहात इलाकों में व्यवस्था की गई है कानून की। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कानपुर में दीपावली से 3 दिन पहले ही शहर में प्रदूषण का स्तर रेड जोन में आ गया है। बाजार में पड़ रही वाहनों की भीड़, भीषण जाम और खराब सड़कों से उड़ती धूल की वजह से एक दिन में ही AQI ने 100 की उछाल मारी है। वहीं मंगलवार को शहर के बीच ब्रह्मनगर में स्थापित प्रदूषण मापक यंत्र में इस साल का सर्वाधिक AQI 408 दर्ज हुआ। ये स्वस्थ शरीर के लिए भी खतरे की घंटी है। हालांकि IIT का मानना है कि शहर के खराब प्रदूषण की 60% वजह सड़कों से उड़ने वाली धूल है। वहीं दीपावली की खरीदारी के लिए कुछ दिनों से लगातार बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते धूल और धुएं की वजह से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। तो ऐसे में कानपुर में पहले से ही दिवाली के पहले से प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो चुका है। 60% प्रदूषण सड़कों से उड़ रही धूल की वजह से कहा जा रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही हैं। त्यौहार के सीजन में ईंधन की बढ़ती कीमतें आम आदमी का
दिवाला निकाल रही है। वहीं तेल कंपनियों ने मंगलवार को फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। ऐसे में धनतेरस के दिन भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर तेल कंपनियों ने राहत नहीं दी। आपको बता दें कि यूपी में पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। हालांकि डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का दाम बढ़कर अब 106 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि डीजल का दाम 98 रुपये से ज्यादा हो चुका है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल का दाम बढ़कर अब 107 रुपए प्रति लीटर के ऊपर हो चुका है, जबकि डीजल भी 99.12 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। तो लगातार यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। आज धनतेरस के दिन भी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है और ऐसे में जनता पर ये भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हर रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे जनता परेशान है। कानपुर में एक और महिला में जीका संक्रमण पाया गया है। आपको बता दें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने संक्रमण की पुष्टि की है। इस तरह शहर में अब तक कुल 11 रोगियों में जीका संक्रमण मिला है। इनमें 5 महिलाएं हैं और एक भी गर्भवती महिला भी संक्रमण की चपेट में है। ऐसे में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने चकेरी क्षेत्र में 2500 घरों का सर्वे कर जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की। जीका संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर चकेरी क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो कानपुर में जीका वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है। आपको बता दें एक और महिला में जीका वायरस पाया गया है और ऐसे में गर्भवती महिला भी इसके चपेट में आ गई है और इस लगातार कानपुर में बढ़ते जीका वायरस के मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है, जिस इलाके में ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको बताते हैं त्यौहार का ये सीज़न है और लगातार इस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं, जहां डेंगू और वायरल फीवर से तो लोग परेशान थे, लेकिन अब कानपुर में जीका वायरस का भी खतरा लगातार बना हुआ है। एक और महिला जीका संक्रमित पाई गई है। बुलंदशहर में एक सपा कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को खून से पत्र लिखकर दिवाली की बधाई दी, साथ ही शुभकामना संदेश के साथ पत्र लिखने के दौरान का वीडियो भी भेजा। आपको बता दें कि खून से लेटर लिखने वाला सपा कार्यकर्ता का नाम आदिल जलीस बताया जा रहा है। आदिल ने अपने पत्र में लिखा कि करोड़ों युवाओं के खून का एक एक कतरा नेताजी और अखिलेश भैया के नाम है। तो ये तस्वीर देख सकते हैं बुलंदशहर में किस तरह से सपा के कार्यकर्ता ने खून से लेटर लिखा है अखिलेश यादव को और इसका वीडियो भी बनवाया, जो अब वीडियो जारी भी कर दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं और आदिल नाम बताया जा रहा है सपा कार्यकर्ता का जिससे पत्र लिखा है। और आदिल ने अपने पत्र में लिखा है कि करोड़ों युवाओं के खून का एक एक कतरा नेताजी और अखिलेश भैया के नाम है। तो ये पत्र लिखा है, जिसके बाद अब दिवाली की बधाई उन्होंने सपा कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को दी है, जिसके बाद अब ये वीडियो और ये पत्र काफी वायरल हो रहा है। यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में अब एक नया मोड़ समझा जा रहा है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार 26 नवंबर तक उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो 27 नवंबर से गांव के किसान दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर आंदोलन को शुरू कर देंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने गाजीपुर पोर्टल पर धरना दे रहे आंदोलनकारी किसानों से खास बातचीत की, आप भी देखिए। जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि एक साल होने वाला है, क्या सरकार आपकी बात मानेगी या फिर जिस तरह से एक साल हुआ है उसी तरह से सरकार भी बदल जाएगी? देखिए, सरकार की मानने की बात तो यह है, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साल होता आ रहा है, एक साल 26 नवम्बर को पूरा हो जाएगा या तो 26 तारीख तक ये मान जाएगी। अगर ये नहीं मानेगी तो फिर हम दूसरे तरीके से मनावेंगे। क्या होगा वो दूसरा तरीका? दूसरा तरीका अब क्या बता दें हम, जैसा हमारे राष्ट्रीय
अध्यक्ष का निर्देश होगा तब उसके बाद हम बताएंगे उसको। कूच तो नहीं होगा 26 जनवरी की तरह? कोई पता नहीं, हम दिल्ली कूच होगा, अगर संसद में कूच होगा, अब कहाँ कूच होगा, ये तो हमारे राष्ट्रीय जो स्तर के नेता है वो जैसा फैसला लेंगे उसके आधार पर होगा। आप उनके सिपाही हैं, जैसा वो कहेंगे जैसा वो करेंगे, जैसा उनका आदेश होगा, जैसा संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा वैसा ही काम होगा। और भी किसान मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चलिए आपसे ही बात करते हैं, आप बताइए 5 राज्यों में अगले साल चुनाव है, तो क्या लगता है ऐसे में किसान आंदोलन भी है और पूरे देश के किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या असर पड़ सकता है चुनाव पर? तो आने वाले टाइम में किसान ही बताएंगे इस बात पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा चुनाव में, ये तो सरकार भी समझ रही है पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और किसानों को की भी सोच है अंदर क्या है उनके इस बारे में, जो है परिवर्तन तो होना ही है। देखो परिवर्तन तो हर चीज का जरूरी है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा जरूर। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या परिवर्तन हो जाएगा अगर किसान आंदोलन के 3 बिल माफ नहीं होते हैं तो? अगर किसानों के 3 बिल माफ नहीं होते हैं, किसान जो है इतनी महंगाई से इतनी परेशानी से जूझ रहा है देश का, पेट्रोल के डीजल के जो चीज किसान के यूज में आने वाली यानी आम जनता के भी आने वाली हैं, उसके यूरिया के दाम, उसकी डाई के दाम, उसके गन्ने में 5 रुपये बढ़े 5 साल में, किसान बहुत परेशान है। और ये आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार ये दोबारा आ पाएगी बीजेपी या ना आ पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। देखिए जहां एक तरफ चुनाव है वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन अपना 1 साल पूरा करने वाला है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार और किसान के बीच किसी तरह का समझौता होता है, या फिर जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले 11 महीने से चल रहा है ऐसा ही आने वाले 1 साल के बाद भी निरंतर चलता रहेगा। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हमारे थोड़े सहारनपुर में नगर निगम की ओर से नई पहल करते हुए इस बार नगर निगम ने संचालित गौशाला में गाय के गोबर से कई आइटम तैयार किए हैं, जिसमें लोगों को गाय के गोबर से बने दिए को इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है। वहीं इसको लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ये हम लोगों की एक नई शुरुआत है और नगर निगम की तरफ से संचालित गौशाला में लगभग 250 गाय रहती हैं, साथ ही गाय के गोबर से हम लोगों ने कई आइटम बनाए हैं उसमें से एक आइटम दिए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं सहारनपुर की, जहां पर नगर निगम की ये नई पहल देखी जा सकती है। नगर निगम ने आपको बता दें गौशाला में ये गाय के गोबर से दिए तैयार किए हैं और एक नई पहल की शुरुआत की है, और ऐसे में ये दिए लोगों को दिए जा रहे हैं और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह से भी हम गाय के गोबर का इस्तेमाल दिए बनाने में कर सकते हैं। एक बहुत नई हम लोगों ने शुरुआत की है, कान्हा ओपन गौशाला है हमारी, ये नगर निगम सहारनपुर के द्वारा संचालित है। इस गौशाला में लगभग 250 हमारी गाय हैं, उन गाय के गोबर से हम लोगों ने कई आइटम बनाए, उसमें से एक आइटम ये दिया आप देख रहे हैं, जो ये दिए बनाए इस बार हम लोगों ने, लोगों से अपील की है कि इसके गाय के गोबर से बने हुए दियों का इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के पश्चात ये खाद के रूप में बदल जाएंगे, तो जिनको गमलों में क्यारियों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये बिल्कुल नेचुरल है और हमारे कान्हा गौशाला नगर निगम की कान्हा गौशाला है जिसमें गायों के गोबर से ये दिए बनाए गए हैं, और इससे हमारे यहाँ एक तो गौशाला से कहीं भी ऐसी गौशाला नहीं है कि जिससे आय भी हो रही हो हमारी गौशाला से, कि एक तो गायों को हम अपनी गौशाला में रखे हुए हैं और कहीं सड़क पर नहीं घूम रहे हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं किसी का। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के KW सृष्टि सोसाइटी के लिफ्ट में एक बच्चा फंस गया। एक बच्चा लिफ्ट में तकरीबन 50 मिनट तक फंसा रहा, वहीं घुटन महसूस होने पर बच्चे ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को लिफ्ट के बाहर निकाला गया। साथ ही मामले में बिल्डर और मेंटेनेंस के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी गई है।
तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लिफ्ट में ये बच्चा फंस गया और ऐसे में लिफ्ट में जो कैमरा लगा हुआ था उसके ज़रिए ये तस्वीरें कैद हुई। हालांकि जब बच्चे को घुटन महसूस हुई उसके बाद बच्चे ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिल्डर और मेंटेनेंस के खिलाफ अब शिकायत भी दर्ज कर ली गई है कि किस तरह से इस लापरवाही की वजह से इस बच्चे की जान भी जा सकती थी दम घुटने की वजह से। हालांकि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिरोजाबाद में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक फर्नीचर के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। नए गोदाम में आग लगी और आग को देखकर यहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना गोदाम मालिक और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारण का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से आग लगी थी। तो फिरोजाबाद की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर फर्नीचर के गोदाम में अचानक से अज्ञात कारणों के चलते यह हादसा हो गया, आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और ऐसे में पौने 6 बजे आग लगने से जनपद की सारी गाड़ियां मौके पर आ गई और आग को देखा जा रहा था। गाड़ियां खाली हो रही है, पानी की कमी बताई जाती है, आखिर क्यों ऐसा कारण क्या था? ट्यूबवेल लगा हुआ है वो खराब हो गया है, किसी तरह की गाड़ियों को दी गई है, जिस वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, शहर में पानी लेने का। गाजीपुर में सड़क पर भीषण हादसा हो गया जिसमें एक ट्रक से कुचलकर 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में कई लोग सड़क पर बैठकर चाय पी रहे थे कि इस बीच ट्रक ने इन लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद ये पूरा हादसा हो गया। तो गाजीपुर की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सड़क किनारे लोग बैठे थे जिन्हें ट्रक ने रौंद दिया और ऐसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, मौके पर भीड़ जमा हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि 4 लोग सड़क के किनारे बैठकर चाय पी रहे थे और ऐसे में तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था और उन सभी 4 लोगों को इस ट्रक ने रौंद दिया। हालांकि जो लोग घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हमीरपुर में एक शराबी का बीच रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसमें छोटे भाई ने शराबी भाई की पिटाई की। आपको बता दें कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर जमकर जूते बरसाए। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस बीच सड़क पर मौजूद लोग तमाशबीन बनकर इस मारपीट को देखते रहे। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं हमीरपुर की कि किस तरह से शराब के नशे में छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई पर जूते बरसाए। हालांकि किस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ऐसे में ये वीडियो भी अब किसी ने वहां पर मौजूद बना लिया, जिसके बाद अब ये वीडियो भी काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और ऐसे में बीच सड़क पर इन दोनों भाइयों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सिर्फ वो तमाशा देखते रहे और किसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो जरूर बनाई, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं उठाई कि इन दोनों को जाकर वहां पर रोक दे। श्रावस्ती में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि यह कार बहराई से श्रावस्ती जा रही थी कि इसी बीच रास्ते में खाई में पलट गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, कार में बैठे लोगों को रेस्क्यू पुलिस ने किया। तो श्रावस्ती की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर खाई में तेज रफ्तार कार गिर गई और ऐसे में वहां पर जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने कार में बैठे सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। तो श्रावस्ती की तस्वीरें देख सकते हैं, खाई में तेज रफ्तार कार गिर गई एक बार, यानी कि फिर से
तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और आपको बता दें, बहराइच से श्रावस्ती की गाड़ी जा रही थी, इसमें सवार सभी लोग श्रावस्ती जा रहे थे। ऐसे में तेज रफ्तार से कार थी जो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर लिया है। महोबा में मध्य प्रदेश के दमोह से उन्नाव स्लॉटर हाउस ले जाए जा रहे पशुओं से भरे कैंटर को पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ये कंटेनर बिना रसीद और बिल के ले जाया जा रहा था। वहीं इसकी सूचना जैसे ही राष्ट्रीय गौ सेवा संघ और विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा प्रकोष्ठ की टीम को हुई तो उन्होंने इन कैंटर को किडारी रेलवे क्रॉसिंग पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही मौके से 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो महोबा का ये पूरा मामला है जहाँ पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कंटेनर में भरे पशुओं को ले जा रहे थे और ऐसे में इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर फांसी के फंदे पर युवक का शव लटकता मिला। वहीं शव को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामले में मृतक के परिजनों ने युवक पर की हत्या की आशंका जताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो अमेठी का ये पूरा मामला है जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और मामले में कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में पैदल जा रही 2 महिलाओं को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस से मृत महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर अज्ञात वाहन ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।